अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ मेरे सारे दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक है कि अंडे देने वाले मुर्गी के पहचान किस तरह करें। बहुत से दोस्तों ने मुझे पूछा कि भाई उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं। ठीक है दोस्तों, तो आज आपके लिए मैंने लाया है इस टॉपिक पे एक खूबसूरत सी वीडियो। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप दोस्तों का फ़ायदा हो जाए। तो चलिए चलते अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है दोस्तों, जब हमारे मुर्गे जो है 15 से 25 हफ्ते तक हो जाती है, ठीक है दोस्तों, एक सेहतमंद मुर्गे की मैं बात करता हूँ, जब एक सेहतमंद मुर्गे जो है 15 से 25 हफ्तों के हो जाते हैं तो वो अंडे देना स्टार्ट करता है। ठीक है दोस्तों, ये एक अलग बात है कि जो असीज़ मुर्गी है वो थोड़ा लेट अंडा देता है, क्योंकि उसका नेचर ऐसे ही होता है कि वो मुर्गी थोड़ा लेट अंडा देता है, यानी तकरीबन 7-8 माह के माह में असील मुर्गी जो है वो अंडा देना शुरू कर देता है, और जो गोल्डन मिस्री मुर्गी होती है वो अंडा देना जो है वो तकरीबन 4-5 माह में भी देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये बात भी क्लियर हो गई हो कि आपका मुर्गी जो है आपकी मुर्गी कब अंडा देना शुरू कर दे। अच्छा दोस्तों, आप दोस्तों के साथ मैं 4-5 पॉइंट शेयर करता हूँ। जब आपकी मुर्गी में ये 4-5 पॉइंट जो मैं आपको बताता हूँ, अगर ये आपके मुर्गे में आ जाए तो आपको बिल्कुल ये बात बिल्कुल कन्फर्म हो गई कि आपके मुर्गी जो है अंडा देने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है दोस्तों, तो वह पॉइंट कैसे कौन सी पॉइंट है, तो चलिए मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ। नंबर फर्स्ट पॉइंट दोस्तों आपको कि आपकी मुर्गी जो है वो बिल्कुल उसके पर जो है वो बिल्कुल पूरे हो जाएंगे, यानी मोल्टिंग से बिल्कुल वो बाहर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट जो है वो कौन सी है। सेकंड पॉइंट ये है दोस्तों कि आपकी मुर्गी का चेहरा जो है वो लाल हो जाएगा, यानी उसका जो खलगी होते हैं और जो वेटल्स होते हैं जो नीचे साइड पे होते हैं, जो उसका खलगी और वेटल जो है वो लाल सुर्ख हो जाएंगे और साइज़ में थोड़ा मोटा हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये थी दूसरी पॉइंट्स। अब मैं आप लोगों के साथ तीसरी पॉइंट शेयर करता हूँ कि वो मुर्गी का प्यूटू या जो हम उसे झोल भी कहते हैं वो बिल्कुल नीचे की तरफ हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो इस पिक्चर में, मुर्गी का प्यूटू जो है वो ऊपर वाले पार्ट से बिल्कुल जो है नीचे आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड नंबर पॉइंट ये हो गई। फोर्थ नंबर पॉइंट ये है तो आपकी मुर्गी जो है इधर उधर जो है वो भागने लगती है और इधर उधर जाती है। ठीक है दोस्तों, नेस्टिंग के लिए जगह तलाश करता है कि उसे एक परफेक्ट जगह मिल जाए। ठीक है दोस्तों, और एक अजीब किस्म की आवाज़ निकालनी शुरू करती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सुन भी सकते हो इस वीडियो में, आपके मुर्गे जो है एक अजीब किस्म की आवाज़ देना स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपके मुर्गे जो है वो अंडे देने के लिए तैयार हुए हैं। इस पॉइंट से आपको मालूम हो जाएगा कि आपका मुर्गी जो है अंडा देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस वक्त आपने क्या करना है, आपने उसके लिए जो है एक परफेक्ट एक बॉक्स तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, और एक साइड पर रखना है। ठीक है दोस्तों, ताकि वो इसमें आराम से अंडा देना शुरू कर दे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तक की नहीं, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।